श्रीमती सुलता देव, श्रीमती सुलता देव। जय जगन्नाथ। माननीय डिप्टी चेयरमैन सर, मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोलने के लिए सुयोग देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ मेरे सभापति नवीन पटनायक जी का, जो मुझे आज ये सदन में भेजे और मैं यहाँ उड़ीसा को रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ। राष्ट्रपति जी उड़ीसा से बिलोंग्स करते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, और वो ट्राइबल्स को भी बिलोंग्स करते हैं, ये और भी बड़ी बात है। मैं उनके अभिभाषण को बस कोट अनकोट कर रही हूँ, जो 3 नंबर में, पारा 3 में महामहिम राष्ट्रपति जी ने बोला, दुनिया देख रही है कि भारत के लोग ने लगातार 3री बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है सर, राष्ट्रपति जी शायद जो लोकमत है, जो जनमत है, उनसे वाकिफ नहीं है, क्योंकि ना ही स्थिर सरकार है, ना ही पता नहीं स्थिर सरकार कब तक चलेगा, ना ही ये बहुमत की सरकार है। ये कैसे चलेगा? ये बैसाखी के हाथ में बैसाखी लेके ही ये चलेगा। ये अगर देखा जाए एनडीए नहीं है, ये एनएनडीए सरकार है। क्या नीतीश नायडू जो है वो उनके साथ में ही अलायंस करके ये सरकार चल रहा है। तो ये क्या है ना, हम लोग देखे हैं, जब मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के बिंदुओं को टच करूंगी, उससे पहले मैं ओडिशा के बारे में कुछ कहूंगी, क्योंकि राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति ने बहुत अच्छे से बोला कि लोकसभा का चुनाव हुआ, बहुत अच्छे से हुआ, और सब अच्छे अच्छे बोले, जैसे कि सब हमको हरा भरा और गुलाबी गुलाबी लगा सुनने के लिए, तो ऐसा ही लगा। मगर अगर देखा जाए तो आंकड़ा कहीं है और सच्चाई कहीं और थी, क्योंकि जब इलेक्शन हो रहा था, मैं किसी और राज्य के बारे में बोलूँ ना बोलूँ, सबको मालूम है, जो लोग हमको यहाँ से देख रहे हैं ये सबको मालूम है किस तरह से कैंपेन चल रहा था। मैं मेरी ओडिशा के बारे में बोलूंगी, किस तरह से कैंपेन चल रहा था जब इलेक्शन हो रहा था, कैसा झूठा कैंपेन चल रहा था, कैसा जुमला कैंपेन चल रहा था, मैं ये कहना चाहती हूँ। क्योंकि जब मैं मेरे सभापति नवीन पटनायक जी को अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं क्या सारी भारतवर्ष जानते हैं वो किस तरह का इंसान है, वो कैसे सेंसिटिव इंसान है, वो कैसे हम्बल इंसान है, किस तरह से, ऐसे नहीं है, बहुत सारी टॉपिक में हम लोगों ने सपोर्ट भी किया है, क्योंकि अनकंडीशनल सपोर्ट भी किया है, जिसमें देश का भला ही हो। मगर अगर देखा जाए क्या हुआ, जब निर्वाचन हुआ, जब कैंपेन शुरू हुआ, तो फिर उनका तबीयत को लेके मुझे बोलना नहीं चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी गरिमा भी भूल गए। वो बोले नवीन पटनायक जी का तबीयत ठीक नहीं है, वो बंदी बना के जैसे रखा हुआ है, हम लोग अगर सरकार को आएंगे तो नवीन पटनायक जी का हेल्थ का चेकअप करेंगे और एक कमेटी बनाएंगे और नवीन पटनायक को उसमें, वो कमेटी जाके नवीन पटनायक जी का तर्जमा करेगा। माननीय मैं आपसे ये गुजारिश करती हूँ, क्योंकि जब बीजेपी ने शपथ लिया ओडिशा में सरकार का, तब मेरे जो एक्स चीफ मिनिस्टर मेरे सभापति मुख्यमंत्री थे, जो नवीन पटनायक मेरे सभापति है, वो शपथ ग्रहण के उत्सव में गए थे। पता तो चल गया होगा मान्यवर जी को कि वो ठीक है कि नहीं है, तो फिर ये क्या था, ये झूठ क्या था? मतलब आप झूठ बोलो, झूठ के ऊपर झूठ बोलो, और झूठ को सच करने के लिए और झूठ बोलो, यही है कैंपेन आपका। मैं और एक बात बोलना चाहूंगी कि देखिए, आपने जो जो बात बोला उड़ीसा के लोग सब याद रखे हैं, याद रखेंगे, और आज नहीं तो कल इसका जवाब देंगे। क्या आपने बोला रत्न भंडार, हमारे जो जगन्नाथ जी का रत्न भंडार है, वो रत्न भंडार का चाबी तमिलनाडु ने तमिलनाडु ले लिया, मगर अगर देखा जाए जो हमारे आद्य सेवक
गजपति महाराज जी है, वो क्या बोले, चाबी सही सलामत है। फिर क्या हुआ, आप क्यों ऐसा बोले, तमिलनाडु चला गया। इसके लिए आपको माफी मांगना चाहिए, ये इलेक्शन के लिए प्रचार के लिए कुछ भी ना बोलिए। और फिर आपने वादा किया रत्न भंडार को आएंगे तो 6 दिन में 8 दिन में खुलवा देंगे। आपको तो आई हुए बहुत दिन हो गया, रत्न भंडार तो खुला नहीं, रत्न भंडार तो खुला नहीं। क्या ये भी एक जुमला था, ये भी एक जुमला था। और एक बात है, आपने बोला जब हम सरकार में आएंगे, चार द्वार, पूरी के चार द्वार होते हैं, चार द्वार खोल देंगे। आपने चार द्वार खोल भी दिया, मगर उसके बाद क्या हुआ, फिर आपने जो चार द्वार खोला वहां पर स्टम्पेड हुआ, फिर इतना अनाकानी हुआ, इतना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुआ, उसके कारण चलते आपने 3 द्वार में एग्जिट करने के लिए छोड़ा और 1 द्वार में एंट्री करने के लिए छोड़ा। ये कहाँ का बात हुआ, हमारे ओडिया में बोलते हैं जथा पूर्वम तथा परम। आपके नजर में वो 4 द्वार खुला, मगर सच में देखा जाए तो 1 द्वार खुला। मैं राष्ट्रपति जी, माननीय राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी बोले 19th नंबर में मेरी सरकार देश के हर युवा को बड़े सपने दिखने और उन्हें साकार करने के लिए जरूरी माहौल बनाने में जुटी है। कैसा जरूरी माहौल बनाने में जुटी है, कैसा युवक लोगों का सपने पूरा करते हैं, ये नीट स्कैम करके, ये नीट स्कैम करके लाखों युवक और युवती जो छात्र छात्री है, ये नीट स्कैम में कितने मुश्किल में वो लोग है। ये एक ही स्कैम नहीं है, ये एक स्कैम से पता चल गया पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट ही स्कैम है। ये एक स्कैम नहीं है, इसमें अगर देखा जाए 7 साल में 70 स्कैम्स हुए हैं, 70 स्कैम, और 1,70,00,000 बच्चे इसमें प्रभावित हुए हैं। और देखें तो उसमें अगर उनके माँ बाप को लिया जाए तो कम से कम 5 से 7 करोड़ लोग इसमें प्रभावित हुए। कि कौन लगा इसका जिम्मा, कौन लगा, किसी को तो आके बढ़ के लेना चाहिए ना, कौन लगा इसका जिम्मा। आप अगर बोलेंगे कि हम सही चला रहे हैं, युवक और युवती को आगे बढ़ा रहे हैं, यही आपका आगे बढ़ाना। मैं तो आपके माध्यम से दावी रखूंगी कि जो नीट का एनटीए जो कर रहा है, जो ये जो कर रहा है, जो क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, इसके लिए एक तदंत कमिटी बैठाइए, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के तत्वावधान में, क्योंकि अपेक्स बॉडी में ना मेरा विश्वास है ना किसी का शायद विश्वास है, ये आपको भी पता है, बोलने का कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें और एजुकेशन सिस्टम में अगर देखेंगे, आपने जीएसटी के बात में बोला, जीएसटी के बारे में अगर बोलेंगे ना तो एजुकेशन में, शिक्षा में 18% जीएसटी ले रहे हैं, मगर डायमंड में 2% ले रहे हैं। कौन सा जरूरी है, शिक्षा जरूरी है या हीरो व्यापारी को 2% जीएसटी जरूरी है। और मेरे जो नेता नवीन पटनायक जी बार बार 100 बार चिट्ठी लेके हैं, जो आप खुद एक ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं महामहिम जी, और ट्राइबल कम्युनिटी में कम से कम 10 लाख ऐसे ट्राइबल्स है जो केंदु पत्र प्लग करने के लिए जाते हैं, और आप केंदु पत्र में 5% जीएसटी को बढ़ाकर 18% कर लिए। 100 बार लिखे गया चिट्ठी के आप जीएसटी केंदु पत्र में कम कीजिए। बस इतना नहीं है, केंदु पत्र में आप 18% लेते हैं, जो तंबाकू होता है केंदु पत्र में बल्कि जो बीड़ी बनता है उसमें भी 18% लेते हैं, बीड़ी बन जाने के बाद में उसमें भी 18% लेते हैं, कितना हुआ, 54 हुआ। आप 1 रुपये में 54 पैसा ले जाते हैं, यही है सरकार का। और फिर मैं बोलूँगी, आप बोल रहे हैं रेलवे के बारे में, रेलवे में आप बुलेट ट्रेन के बारे में बोल रहे हैं, मुझे कहते ही हुए यहाँ बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि रेलवे में 8 जिला, उड़ीसा के 8 जिला को रेलवे के एक लाइन भी नहीं टच किया। क्यों, क्या हुआ, उड़ीसा अगर देखा जाए बहुत सारा रेवेन्यू देती है रेलवे को, 8 जिला अभी तक रेलवे टच भी नहीं किया। ऊपर से अगर देखा जाए, जो मेरे एक्स चीफ मिनिस्टर है वो बार बार बोले हैं 50% काम के लिए देंगे, जगह फ्री में देंगे, मगर आज तक नहीं हो पाया। क्या सपने देखेंगे बुलेट ट्रेन का, जो लोग ट्रेन ही नहीं देखे, हमको ट्रेन सब जगह के लिए ट्रेन चाहिए। और एक बात,
ये हम बालेश्वर का तो बारे में देख ही सकते दे ही चुके हैं, कहीं ना कहीं सेफ्टी के बारे में भी सोचना चाहिए आजकल रेलवे में सेफ्टी के बारे में। और अगर देखें तो जब कंक्लूड अगर एक मिनट सर कंक्लूड अगर हम देखें तो क्या ना रेलवे देखे एनएच देखिए एनएच जो हमारे उड़िया में और एक बात बोलते हैं गोदोरा कोड़े जत्ते माड़े से ते काँ क्यों बोली मैं ना आप लोग बोलते हैं एक दिन में 39 किलोमीटर एनएच हो रहा है मगर 55 एनएच जो हमारा अनुगुल कटक अनुगुल है संबलपुर है भैया अनुगुल आज तक वो काम नहीं हो पाया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कितने लोगों की जान गई है? कौन जिम्मेदार है? आज तक हम लोग जो बोल रहे हैं नेट कनेक्टिविटी नहीं है, बैंक सिस्टम नहीं है, रेलवे नहीं है, तो कैसे होगा? इसलिए मैं बोल रही हूँ ओडिशा को फोकस स्पेशल फोकस स्टेट का मान्यता। यू स्पीक